दोस्तों, इतिहास में कई बार सरकार की गलत नीति, इंसाफ और अपनी मांगे पूरी करने के लिए कई सारे आंदोलन हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। कई बार ये आंदोलन हिंसक रूप में सामने आए तो कई बार शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चला। दोस्तों, कई बार सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये आंदोलन सफल हुआ। आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया के 10 ऐसे आंदोलन के बारे में बताएंगे जिसने इतिहास रच दिया। स्वदेशी मूवमेंट 1905। दोस्तों, इंडिया को आज़ाद कराने के जद्दोजहद के दौरान गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया और पूरे देश के लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए एकजुट हो गए। ये आंदोलन ब्रिटिश एम्पायर को कमज़ोर करने के लिए चला था, जिसमें विदेशी चीज़ों को छोड़ के स्वदेशी अपनाने को कहा गया था, जिसके बाद लाखों लोगों ने अपने विदेशी कपड़ों को आग लगा दिए और स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट 1973। दोस्तों, साइलेंट वैली केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक खूबसूरत एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। 1973 में गवर्नमेंट द्वारा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग की गई। अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ बन जाता तो जंगल समेत वहाँ के आसपास के सारे गांव पानी में डूब जाते। इसलिए इस जंगल को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था। चिपकू मूवमेंट 1973। दोस्तों, उसी साल 1973 में उत्तराखंड में एक और आंदोलन चला जिसका नाम चिपकू आंदोलन या चिपकू मूवमेंट था। चांदनी प्रसाद और सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया इस आंदोलन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जंगल को काटे जाने से बचाने के लिए ये मूवमेंट चला था। इसमें एक पेड़ के साथ कई लोग चिपक कर खड़े हो जाते, जिससे उस पेड़ को काटने आए लोग नहीं काट पाते। इस तरह करके वहां के लोगों ने पूरे जंगल को बचा लिया। नमंतर आंदोलन 1978। दोस्तों, ये एक दलित आंदोलन था जिसमें औरंगाबाद के मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने की मांग की गई थी। 16 साल के बाद ये आंदोलन 1994 में सफल हुआ और इस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा गया। जंगल बचाओ आंदोलन 1980। दोस्तों, 1980s में बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि साल के जंगल को काटकर उसकी जगह हाईली वैल्यूड टीक लगाया जाएगा, जिसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहां के लोकल ट्राइबल्स आंदोलन शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये आंदोलन ओडिशा और झारखंड में भी पहुंच गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। दोस्तों, नर्मदा के कई सारे हिस्सों में डैम बनाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा रखा गया और ये डैम से नर्मदा के आसपास के गांव और इससे जुड़े लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके बाद हजारों की संख्या में आदिवासी फार्मर्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों, शुरुआत में कोर्ट ने डैम बनाने का काम रोक दिया, लेकिन बाद में कोर्ट ने फिर से डैम बनाने की अनुमति दे दी। निर्भया मूवमेंट 2012। दोस्तों, आपने निर्भया केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। हजारों की तादाद में लोग सड़कों में आकर प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे कदम उठाए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में ब्रिटिश को भारत छोड़ने का आह्वान दिया गया था। फार्मर प्रोटेस्ट 2020। साल 2020 में सरकार किसानों के लिए तीन कानून पास करती है, लेकिन ये तीनों कानून खुद किसानों को मंजूर नहीं होती, जिसके बाद 2020 के नवंबर के महीने में 24 स्टेट से हजारों लाखों किसान वो तीन कानून को वापस करने और MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस लागू करने के लिए सरकार से मांग करने लगे। अभी तक इस प्रोटेस्ट में लगभग 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। NTCAA प्रोटेस्ट 2019।
2019 में सरकार एक कानून लाती है जिसका नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या CAA होता है। ये कानून आते ही लाखों करोड़ों लोगों में असंतोष फैल जाता है और देखते ही देखते सारे स्टेट्स में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं।